बड़ी खबर अजमेर से, जी राजस्थान की खबर का फिर दमदार असर। जी राजस्थान ने आज से शुरू किया जनता के मुद्दे नाम से शो। पहले ही दिन पीने के पानी की समस्या पर जिम्मेदारों का ध्यान किया आकर्षित। अजमेर में अनियमित जलापूर्ति और अन्य समस्याओं को एड्रेस किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने तत्काल मामले में संज्ञान लिया। जलदाय अधिकारियों के समक्ष इस लापरवाही पर नाराजगी भी जताई। एक सप्ताह में 48 घंटे के अंतराल में जलापूर्ति करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 10 मई तक स्वीकृत हैंडपंप खोदे जाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर, बड़ा असर जी मीडिया की खबर का। जी मीडिया ने आज से अपना नया शो शुरू किया जनता के मुद्दे, और इस खबर का बड़ा असर। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, जी मीडिया की खबर का असर लगातार होता आया है और आज एक बार फिर से ये बानगी, आज एक बार फिर से जी मीडिया ने साबित कर दिया है सामाजिक सरोकारों का निर्वहन करने में सबसे आगे जी मीडिया। देखिए सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने। जनता के मुद्दों को जनता के बीच से जिम्मेदारों तक पहुंचाने की जो कड़ी जी राजस्थान बना है, और उसी की बानगी है कि आज जब पीने के पानी की समस्या को एड्रेस किया गया, तो उसके चंद घंटों बाद ही जो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, उन्होंने तत्काल प्रभाव से जलदाय विभाग के अफसरों के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की सख्त लहजे में, और स्पष्ट रूप से उन्हें निर्देशित किया है कि इस भीषण गर्मी के दौर पर 4 से 5 दिन के अंतराल में पानी की आपूर्ति किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एक महीने पहले जब 48 घंटे में जलापूर्ति हो रही थी, तो आखिरकार इन एक महीनों में ऐसा क्या हुआ कि जलापूर्ति का शेड्यूल पूरी तरह से पूरे शहर में जो है बिखर कर रह गया है। तो उन्होंने एक सप्ताह का समय दिया है कि तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करते हुए तमाम जितनी भी दुरुस्तीकरण का काम है उसको तत्काल, चाहे 24 घंटे लगने पड़े लेकिन तत्काल करते हुए क्षेत्रवासियों को 48 घंटे में पानी मुहैया कराने के प्रति संकल्पित रहे। और साथ ही साथ पाईतागर झील से जो 3 MLD पानी एक्स्ट्रा लिफ्टिंग करके शहर की जलापूर्ति को सामान्य करने की दिशा में काम प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया था, उस प्रोजेक्ट की रफ्तार जो धीमी चल रही थी उस पर भी देवनानी ने नाराजगी जाहिर की। अफसरों को सख्त लहजे में कहा है कि 15 मई तक अपना अंतिम एक्शन प्लान जो है वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से बताया, उस पर क्या आगे काम करना है ताकि जल्द से जल्द पाईतागर झील से भी एडिशनल वाटर जो है वो अपलिफ्ट कर उसको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल किया जा सके ताकि एक्स्ट्रा बेनिफिट शहरवासियों को मिल सके। साथ ही साथ कई ऐसे रिमोट एरियाज भी हैं जहां पर जो हैंडपंप की खुदाई सेंक्शन। शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए।